नमस्कार दोस्तों, जय स्टेक में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, हम जो हमारे आगे का टॉपिक है बेसिक इलेक्ट्रिशियन का, ये दोस्तों सारे टॉपिक है जो फर्स्ट ईयर के बुक के चल रहे हैं और ये निम्न बुक से है जो सारे जो चीज़ें यहाँ समझाई जा रही है। तो आप ध्यान से समझ लो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर को जो है हम ग्रुप में दोस्तों जोड़ रहे हैं। तो ये दोस्तों पहली बात तो ये आती है कि हमको एक साथ एक से ज़्यादा कैपेसिटर जो लगाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, हम उसके बारे में डिटेल देख लेते हैं दोस्तों कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, फिर हम मेथड के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि हमें कैपेसिटेंस की जो वैल्यू या संधारित्र की जो वैल्यू है दोस्तों, या उसके मान जो है, कभी हमें ज़्यादा चाहिए होता है, कभी हमें कम करना चाहिए होता है, और हमारे पास दोस्तों अप्रोप्रिएट उस वैल्यू का जो है कैपेसिटर अगर अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करते हैं दोस्तों, एक से अधिक कैपेसिटर को जो जोड़ सकते हैं। तो ये प्रक्रिया दोस्तों कैपेसिटेंस की जो निर्धारित या जो वांछित वैल्यू है उसको प्राप्त करने के लिए हम जो दोस्तों कैपेसिटर के जो ग्रुपिंग करते हैं, जैसे ग्रुपिंग हमने इंडक्टर और रजिस्टर में भी पढ़ी थी। तो दोस्तों यहाँ हम देख लेते हैं कैपेसिटर को जो ग्रुपिंग करने के दो मेथड है, सीरीज और पैरेलल। तो पैरेलल कहाँ यूज करते हैं, सीरीज कहाँ यूज करते हैं, इन दोनों के बारे में हम डिटेल जानकारी लेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ जो है वीडियो का आप लास्ट तक बने रहिए ताकि इसमें से कोई भी चीज़ है जो मिस नहीं होनी चाहिए, ताकि आपको आगे आने वाले जब मोटरों में जब कैपेसिटर लगेगा तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि ये कैपेसिटर हमने या सीरीज में क्यों जोड़ा, पैरेलल में क्यों जोड़ा, या दो क्यों जोड़े, चार क्यों जोड़े, ये चीज़ें क्या है। या अगर दैनिक जीवन में भी ये जो है देखते हो कैपेसिटर को जोड़ने की, तो वो चीज़ भी आपको जो है दोस्तों अच्छे से अच्छी इसकी जानकारी हो जाएगी। आइए हम देखते हैं कैपेसिटर को जो जोड़ने की प्रक्रिया। सबसे पहले हम दोस्तों कैपेसिटर की जो ग्रुपिंग है वो दो प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है, दो प्रकार से, पैरेलल और सीरीज। सीरीज और पैरेलल दो तरीके से, हम पैरेलल होता है समांतर क्रम में और सीरीज होता है श्रेणी क्रम में। तो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दो क्रम में जो हम इसको जोड़ते हैं। तो पैरेलल में हम देख लेते हैं दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, हमने वोल्टेज सोर्स लगा रखा है। उसके बाद देखिए दोस्तों ये कैपेसिटर हमने एक यहाँ C1 C2 C3 ऐसे जैसे CN तक आप कितने भी पैरेलल में जोड़ सकते हो। अब हम दोस्तों इनको जोड़ने से पहले सबसे पहले इनकी कंडीशन देखते हैं कि हमारे पास एक जो सूटेबल कंडीशन क्या होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने हर कोई कैपेसिटर रहे सबको पैरेलल में जोड़ दिया, हम काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए, वो एक दो इसकी शर्तें हैं, कंडीशन है, वो ध्यान रखना है। सबसे पहले तो हमको ध्यान रखना है दोस्तों, जो भी हम कैपेसिटर जोड़ रहे हैं इनकी वोल्टेज रेटिंग, आप कोई भी कैपेसिटर उठा के ऊपर देखिए दोस्तों, वहाँ वोल्टेज रेटिंग लिखी हुई होगी, ये कितने वोल्ट पर या कितने वोल्ट के लिए काम कर सकता है, वो उसकी वोल्टेज रेटिंग कहलाती है। तो वोल्टेज रेटिंग की हम बात कर ले तो दोस्तों, वो सोर्स वोल्टेज मतलब हम ये सप्लाई वोल्टेज जितना अप्लाई कर रहे हैं इससे जो है ज्यादा होनी चाहिए, हायर होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। ये पैरेलल में, यहाँ से बहुत ही अच्छा जो है क्वेश्चन बनता है, ये पैरेलल में जब कैपेसिटर जोड़ रहे हैं तो कैपेसिटर की वोल्टेज रेटिंग सप्लाई वोल्टेज रेटिंग से जो है दोस्तों कितनी होनी चाहिए, तो ये हमेशा हायर होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए सप्लाई वोल्टेज या सोर्स वोल्टेज से। उसके बाद दूसरी हम बात कर ले दोस्तों, हमारे पास जो कंडीशन है वो है इनकी पोलारिटी, इनकी ध्रुवता। क्योंकि दोस्तों एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर ऐसा होता है जिसके एक सिरे पे प्लस लिख रखा होता है, एक सिरे पे माइनस लिख रखा होता है। तो बहुत बार एग्जाम में, ITI के एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैपेसिटर के प्रकार में ऐसा कौन सा कैपेसिटर है जिसके एक सिरे पर प्लस, पॉजिटिव या नेगेटिव ऐसे लिखा जाता है। तो दोस्तों वो होता है पोलराइज्ड कैपेसिटर या इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, ये दोनों चीजें हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों जब हम इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की ग्रुपिंग कर रहे हैं तो हमें इसकी जो ध्रुवता है प्लस माइनस, धनात्मक और ऋणात्मक टर्मिनल का खास तौर से ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास दो कंडीशन आ गई। उसके बाद तीसरी हम बात कर ले दोस्तों, नेसेसिटी, इसकी आवश्यकता क्यों है या हमें क्या चीज चाहिए तो हम जो कैपेसिटर को समांतर क्रम में जोड़े, ये भी एक क्वेश्चन बनता है अपने आप में। तो दोस्तों कैपेसिटेंस की वैल्यू हायर, अगर हमको संधारित्र की जो वैल्यू हमारे पास कम संधारित्र मान के या कम कैपेसिटेंस मान के जो कैपेसिटर है और हमें ज्यादा का चाहिए, जैसे हमारे पास 1 माइक्रोफेरेड का है लेकिन हमको 2 के चाहिए, तो अब हमको वहाँ कैपेसिटेंस की वैल्यू बढ़ाने के लिए हमको है दोस्तों समांतर में जोड़ना पड़ेगा, मतलब 1 फेरेड के 2 कैपेसिटर वहाँ हम पैरेलल में जोड़ सकते हैं। इसका मतलब कैपेसिटेंस की वैल्यू को क्या दोस्तों, बढ़ाने के लिए हम जो है पैरेलल में या समांतर क्रम में इसको जोड़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात कर रहे हैं टोटल कैपेसिटेंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ बात बनती है कि ये होता कैसे। तो इसमें दोस्तों इंडिविजुअल जो कैपेसिटेंस होता है उन सबका दोस्तों योग हो जाता है, जैसे ये 1 माइक्रोफेरेड का है, ये 2 का है, ये भी 2 का है, तो ऐसे हम जोड़ेंगे दोस्तों 2 और 1 3 और 1 4, ऐसे 4 जो है कैपेसिटेंस हो जाता है इसका, 4 फेरेड जो हो जाता है। तो इनका क्या होता है दोस्तों, सबका जो है जितने भी हम समांतर क्रम में जोड़ते जाएंगे इन सबका कैपेसिटेंस जो दोस्तों लगातार जो है जुड़ता जाएंगे, जैसे 1 फेरेड 2 फेरेड 4 फेरेड 10 फेरेड 50 फेरेड जितने भी हम जोड़ते जाएंगे दोस्तों वो सारे एक साथ जुड़ जाएंगे। अब ऐसा क्यों होता है, गौर करने वाली बात यहाँ यही है कि
कि ऐसे जुड़ता है ये कैसे है। तो दोस्तों इसलिए जुड़ता है क्योंकि इसमें प्लेट का जो एरिया है, जो कैपेसिटर की प्लेटें हैं उनका एरिया है जो दोस्तों जुड़ता जाता है। जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा तो वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्रिएट होगा, वहाँ चार्ज ज्यादा जमा हो पाएंगे और कैपेसिटेंस का मान है वो बढ़ता जाएगा। कैपेसिटर ज्यादा चार्ज स्टोर करके रख सकता है, ज्यादा वोल्टेज हमें दे सकता है। देखिए दोस्तों हमने एक कैपेसिटर ये जोड़ा जो इसका जो है एरिया है दोस्तों कैपिटल ए हो गया, और उसके बाद ये कैपेसिटर इसका एरिया आप ए टू या स्मॉल ए हम मान सकते हैं। तो हम दोनों जब इसको दोस्तों ये कनेक्टिंग लीड होगी, इसके बाद हम दोनों दोस्तों पैरेलल में लोड कर दिए, देखिए हमारा जो टोटल कैपेसिटेंस है दोस्तों वो इसलिए बढ़ जाएगा क्योंकि प्लेट का एरिया बढ़ गया, क्योंकि इसमें आधा तो इसका था एरिया आधा इसका था, तो हमारे पास टोटल एरिया दोस्तों ए प्लस स्मॉल ए हो जाएगा। इतना एरिया बढ़ गया इसलिए कैपेसिटेंस का मान भी बढ़ गया, ये चीज हमें ध्यान रखने वाली है। उसके बाद हम दोस्तों फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, जनरल फॉर्मूला जो है कैसे यूज आता है दोस्तों, इसमें टोटल कैपेसिटेंस निकालना हो तो इन सब का क्या होगा दोस्तों योग हो जाएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस प्लस CN आगे जितने भी दे रखे हैं उन सबको जोड़ दोस्तों। ये किसके जो है सेम है, ये हम प्रतिरोध या जो इंडक्टर को जो है दोस्तों सीरीज में जोड़ते हैं, आर या हमारे पास जो एल है उसको हम दोस्तों कैसे जोड़ते हैं सीरीज में, उसके विपरीत कैपेसिटेंस या पैरेलल में जोड़ रहे हैं। लेकिन ये दोनों चीजें सेम होंगी कि या तो आप रजिस्टर या इंडक्टेंस को जो है सीरीज में जोड़ो या कैपेसिटेंस को पैरेलल में जोड़ो, ये दोनों एक तरीके से जुड़ेंगे। उसके बाद हम दोस्तों चार्ज स्टोर कितना कर रखा है वो हम बात कर लें, तो इसमें टोटल चार्ज Q2 क्या हो जाएगा दोस्तों Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn, इन सब में चार्ज कितना है वो सबका जो है एड हो जाएगा, वहाँ योग हो जाएगा। और हम अकेले Q की बात करें दोस्तों हमें पता है Q=CV और C के मान निकालना हो तो V/Q ऐसे इनको एक दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये पूरी दोस्तों पैरेलल या समांतर में जो कैपेसिटर को जोड़ा जाता है उसकी कर्व्स प्रमुख जानकारी थी जो एग्जाम के लिए हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं दोस्तों अगला हमारा जो यहाँ मेथड है वो है सीरीज श्रेणी क्रम, सीरीज मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ना था हमने कैपेसिटर को C1 C2 C3 C4 इन सबको क्या क्या दोस्तों हमने सीरीज में जोड़ दिया, और उसके बाद हमने वोल्टेज सोर्स अप्लाई कर दिया। अब यहाँ जो चीजें चल रही थी वो सेम की सेम चीजें हम यहाँ भी देखेंगे, ये आपको दोनों को बराबर इसमें अंतर टाइप से बताने का मतलब ही यही कि आपको जो है ये चीजें अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे दोस्तों कंडीशन की, कंडीशन क्या है शर्तें क्या है, तो इसमें भी दोस्तों वही दो शर्तें हैं। सबसे पहले तो दोस्तों इसमें कि वोल्टेज जो दोस्तों ड्रॉप हो रहा है प्रत्येक कैपेसिटर में, हर एक कैपेसिटर में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है दोस्तों वो कम होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए वोल्टेज रेटिंग से। ये वोल्टेज रेटिंग जो दे रखी दोस्तों यहाँ जो ड्रॉपेज है इससे कम होना चाहिए, ये लेस देखिए आप यहाँ ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसका जस्ट विपरीत है। इसमें ये यहाँ कितना ड्रॉप हो रहा है, 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 कितना खर्च हो रहा है, वो इससे तो कम ही होना चाहिए हर एक इंडिविजुअल में, ऐसे नहीं हम सबको जोड़ दे। उसके बाद दोस्तों सेकंड इसमें आता है पोलैरिटी, ध्रुवता को चेक करें, फिर से वही चीज आती है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है तो ध्रुवता को जरूर चेक करके प्लस माइनस को चेक करके ही ये जोड़े। उसके बाद दोस्तों सेकंड कंडीशन आती है नेसेसिटी, इसकी क्या आवश्यकता है हम सीरीज में कब जोड़ेंगे, तो सबसे पहले ध्यान रखना दोस्तों टोटल कैपेसिटेंस को रिड्यूस करने के लिए, रिड्यूस मतलब होता है कम, हमारा जो टोटल कैपेसिटेंस जितने फेरेड दे रखा है उसको अगर हमको कम करना है, जैसे हमारे पास मान लो क्या कहते हैं दो 3 फेरेड का कैपेसिटर चाहिए और हमारे पास दो दो के दोस्तों 2 है, 4 जो फेरेड के कैपेसिटर है, अब हमको कम करना है, हम नया तो खरीद नहीं सकते, उससे हमें जुगाड़ बिठाना पड़ेगा, तो हम उन दोनों को दोस्तों सीरीज में जोड़ दें तो वो क्या होगा कम हो जाएगा, वो 3 के आसपास या 3 से नीचे हो जाएगा, लेकिन जो 4 का जो है दोस्तों कम हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस के मान को कम करने के लिए हम जो है कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ते हैं। उसके बाद हम बात कर ले दोस्तों टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, कुल इनका जो संधारित्र की जो मान है दोस्तों संधारण क्षमता जो कितनी होगी, तो दोस्तों टोटल कैपेसिटेंस है जो हर एक इनमें से देख लो दोस्तों, जैसे ये 1 माइक्रोफेरेड हो गया, ये 2 माइक्रोफेरेड हो गया, ये 3 माइक्रोफेरेड हो गया, ये 4 माइक्रोफेरेड हो गया। अब हम दोस्तों टोटल कैपेसिटेंस की बात करें तो टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, इसमें सबसे छोटा कैपेसिटेंस देखिए ये हो गया 1 माइक्रोफेरेड, तो 1 माइक्रोफेरेड से भी दोस्तों ये कम हो जाएगा, उनको ध्यान रखना है। टोटल कैपेसिटेंस की हम बात करें तो टोटल कैपेसिटेंस का मान इन सबके कैपेसिटेंस को, क्योंकि ये रिड्यूस तो कर रहा है कम तो कर रहा है लेकिन कम कितना होगा, तो सबसे छोटे वाले कैपेसिटर का जो मान है उससे भी कम हो जाएगा, मतलब 1 जो माइक्रोफेरेड दे रखा है दोस्तों इससे भी जो है मान कम हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, कम क्यों होगा, ये यहाँ क्वेश्चन बनता है, जो काम की चीजें कम तो हम रट लेंगे कैसे होता है, लेकिन कम कैसे होता है उस चीज के ऊपर ध्यान रखनी है, क्योंकि दोस्तों इसमें इफेक्टिव जो प्लेट एरिया है, जो इसकी प्लेट का, इसकी प्लेट का, इसकी प्लेट का, इसकी प्लेट का, हम जब सबको सीरीज में जोड़ते हैं तो इसमें जो प्रभावी
प्लेट का जो एरिया है, प्लेट का जो क्षेत्रफल है दोस्तों, वो घट जाता है, वो डिक्रीज हो जाता है, ये हमें ध्यान रखनी है। और इनकी थिकनेस जो है वो बढ़ जाती है, जो हमारे लिए कोई काम की नहीं। इनके बीच की जो दूरी है वो बढ़ जाती है, जिसके कैपेसिटेंस क्या होता है, विपरीत अनुपात में होता है। ये भी आपने कैपेसिटर में पढ़ा होगा। तो ये यहाँ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, कैसे देखिए दोस्तों, ये कैपेसिटर हमारे पास मान लेते हैं C1, ये है C2, हमने दोनों को इनको दोस्तों सीरीज में जोड़ दिया। अब हम इसके प्रभावी मान की बात करें, इफेक्टिव प्लेट एरिया की बात करें, तो दोस्तों देखिए ये क्या होता है कि छोटी वाली जो प्लेट है ये दोस्तों इतना ही एरिया, ये आपको देख सकता है, ये इतना ही एरिया पे जो है दोस्तों प्रभावी काम करेगा। अब इसमें एक कैपेसिटर की प्लेट तो होगी बड़ी, ये कैपेसिटर की प्लेट होगी छोटी, लेकिन हमको पता है कि जो कैपेसिटर तो दो प्लेट है तो दोनों बराबर होनी चाहिए, तो उसके बीच की तो चार्ज स्टोर रहेगा। अब हमारे पास ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा तो दोस्तों यूजलेस हो गया, ये तो कोई काम का ही नहीं है, तो इसका हम क्या यहाँ चार्ज डाले क्या करें इसका, ये कोई काम का नहीं, इसलिए जो है दोस्तों इफेक्टिव प्लेट एरिया कम हो गया। और उसके बाद हम बात करें कि दोस्तों इनके बीच में यहाँ देखिए ये दूरी और ये दूरी कम है, जबकि ये दूरी दोस्तों जो है बहुत ज्यादा है, जिसका कि कैपेसिटेंस पे विपरीत प्रभाव पड़ता है, ये चीज आप जरूर ध्यान रखें। उसके बाद हम बात कर लेते हैं दोस्तों जनरल फॉर्मूला क्या होता है, तो जनरल फॉर्मूला की हम बात करें दोस्तों CT, ये टोटल कैपेसिटेंस के बाद अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। अब ये किसके जैसे होता है दोस्तों, R वे जो L को दोस्तों हम कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल में, इनको जब हमें पैरेलल में मतलब समांतर क्रम में जब जोड़ते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ये होता है। तो इंडक्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर की जब हम बात कर ले दोस्तों, तो इंडक्टर और रजिस्टर में जो चीजें सीरीज में होती है वो कैपेसिटर में पैरेलल में होती, और वहां जो चीजें पैरेलल में होती है वो कैपेसिटर में सीरीज में होती है, ये ध्यान रखें, कभी ऐसे कंपैरिजन के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। उसके बाद दोस्तों हम मैक्सिमम जो वोल्टेज की बात करें कि हर एक कैपेसिटर पे, या मैक्सिमम जो इन कैपेसिटर का संयुक्त रूप से जो वोल्टेज है वो कितना होगा, तो दोस्तों इसका होगा V=Q/C, टोटल चार्ज कितना है। और उसके बाद हम बात कर ले इसमें कैपेसिटेंस का भाग दे दे तो ये टोटल वोल्टेज हमारे पास आ जाएगा, मैक्सिमम जो वोल्टेज है। उसके बाद दोस्तों हम इंडिविजुअल वोल्टेज की बात करें, हर एक कैपेसिटर में कितना वोल्टेज होगा, तो उसकी बात करें तो ये हो जाएगा दोस्तों Vx=CT, टोटल कैपेसिटेंस ले लो अपॉन Cx, टोटल कैपेसिटेंस ले लो, ये कैपेसिटेंस कितना है उसका। देखिए दोस्तों Vx मतलब हम इंडिविजुअल की बात करें, या हम एक लगो, जैसे मैं ये कह दूं V1 का निकालना, मतलब इस कैपेसिटर का वोल्टेज कितना है, अगर वो हमको निकालना तो क्या हो जाएगा, एक तो टोटल कैपेसिटेंस हो गया, फिर C1 इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है और सोर्स वोल्टेज कितना है, ये चीजें यहाँ इंपॉर्टेंट है हमको ध्यान रखनी है। टोटल पूछे वो वोल्टेज तो क्या करना है, इंडिविजुअल हर एक का वोल्टेज पूछे तो क्या करना है, हर एक के वोल्टेज में क्या होगा दोस्तों, कैपेसिटेंस का तो मान टोटल आ जाएगा जो हम यहाँ से निकाल लेंगे, उसके बाद उसका खुद का कैपेसिटेंस कितना है और सप्लाई वोल्टेज जो है वो आपने कितना अप्लाई कर रखा था, इंडिविजुअल वोल्टेज भी आ जाएगा। तो दोस्तों ये कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल में जो इनके जोड़ने क्यों जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं, वो सारी चीजें यहाँ जानकारी दी गई है दोस्तों। मैं ऐसा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और दोस्तों ये कैसा लगा आप जो है कमेंट करना ना भूले, और दोस्तों आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करें तो मैं आप इसको वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। और एक चीज़ दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो भी IT से जुड़े हुए, जो भी इस फील्ड से, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, उन सबके पास ये जानकारी पहुँच सके। और मिलते हैं कल एक फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।